साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने की अपील करता हूं और ये अपील आज विशेष है। नॉर्मली मैं बोलता हूं कि आप अंत तक देखें, लेकिन इस वीडियो को अंत तक इसलिए देखें कि इस वीडियो में हमने बताया है कि किस तरीके से इन शेष 50 दिनों में आप MPPSC 2018 प्री को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और बहुत वैज्ञानिक तरीके से सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है, तो अंत तक जरूर देखें। यदि आपको अगर इसमें लगता है कुछ पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अंत तक देखने के बाद ही आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें। लाइक करें या डिसलाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस पूरी स्ट्रेटजी को हमने चार भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले लुक, यानी कि देखो, फिर बात प्लान, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना डू, और किस तरह से आप पूरी सफलता तक पहुंचेंगे। तो चार चीज़ों को बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमने बताया कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा ताकि आप इस परीक्षा में पास हो जाएं, मात्र 50 दिन जो शेष हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी की पहली स्टेप, स्टेप फर्स्ट, जहां हम बात करेंगे लुक के बारे में, यानी कि देखिए समझिए। लुक की यदि हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको लुक यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, जहां पर हम सबसे ज़्यादा गलती कर जाते हैं। होता क्या है, जैसे ही एग्ज़ाम आई और हम जुट गए उसकी तैयारियों में, ना हमने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने का प्रयास किया, ना उसकी चीज़ों को देखने का प्रयास किया कि आखिर कैसे ये जो एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करें। ये बहुत ही अवैज्ञानिक तरीका है एग्ज़ाम में जाने का। हमारे लिए क्या होता है, हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लें। सबसे पहले आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने का प्रयास करें और इस पूरे वीडियो में हम यही समझाने की कोशिश करेंगे आखिर ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के को जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे प्री और मेंस दो इसमें पेपर होते हैं। प्री जो होता है इसमें दो पेपर होते हैं प्री के अंदर, एक होता है GS का, दूसरा होता है CSET का। CSET क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जो प्री में पेपर फर्स्ट होता है, GS पेपर होता है, वही आपको आपकी सफलता दिलाता है मेंस के लिए, तो मुख्य परीक्षा के लिए वही आपको जितवाता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे जो प्री का पेपर फर्स्ट होता है उसका सिलेबस हम समझने का प्रयास करें, उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, MPPSC का नोटिफिकेशन आप देखें, नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है। हालांकि मैंने आपके लिए आपके काम को काफ़ी इजी कर दिया है और आपके लिए लेके आ गया हूँ इस सिलेबस को और भी अच्छे तरीके से। एनालिसिस करने के बाद आप पिछले साल के कम से कम 5 साल से 3 साल के पेपर्स को देखें और ना सिर्फ उन पेपर्स को देखें बल्कि उनका एनालिसिस करें, और इस एनालिसिस को मैं आपके सामने अभी करूँ बताऊँगा कि कैसे एनालिसिस करें। आपको एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप इस पेपर्स को देखें जरूर, क्योंकि ये आपको तीन चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़, एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या है, और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो हमें आने वाले साल के लिए एक गाइडेंस प्रदान करते हैं जिससे हम हमारा मार्ग बना सकते हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको एनालिसिस किया है पूरी तरह से। MPPSC के लास्ट 3 ईयर पेपर्स का एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ 2017 में जिस सब्जेक्ट से जितने प्रश्न पूछे गए उनको शामिल किया गया है। रेड कलर की जो बार है उसमें 2016 के हैं और ब्लू कलर में 2015 के। सबसे पहले बात करेंगे हम MPG के, जो कि पोर्शन होते हैं, कुल 11 भागों में इसको हमने बांटा है, 11 भागों में, जो कि PSC ने सिलेबस जारी किया है उसके हिसाब से 11 भाग हैं। पहला है MPG के, दूसरा इतिहास, तीसरा है भूगोल, चौथा है राजव्यवस्था, पांचवा है विज्ञान, छठवा है अर्थव्यवस्था, सातवा है कंप्यूटर, आठवा है अधिनियम, नवा है करंट अफेयर्स, दसवा है खेलकूद और 11वां है विविध। इन 11 भागों में बांटा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं MPGK की। MPGK में यदि हम बात करें, 2015 में इससे 18 प्रश्न पूछे गए थे और 2016 में इससे प्रश्नों की संख्या बढ़कर 26 हो गई और 2017 में यानी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें इससे प्रश्नों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, लगभग 12 हो गई, यानी कि थोड़ी सी प्रश्नों की संख्या कम हो गई। तो इस कुल मिलाकर कहने का मतलब अगर हम देखें तो MPGK से प्रश्न MPPSC में जो पूछे जा रहे हैं 12 से लेकर 18 और 20-25 तक प्रश्नों की संख्या जा सकती है, यानी कि 12% 15% से लेकर तो 20-25% प्रश्न सिर्फ MPGK से पूछे जाते हैं। वहीं इतिहास की यदि हम बात कर लें तो 2015 में इतिहास से 9 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में इन प्रश्नों की संख्या घटकर 4 हो गई और 2017 में इन प्रश्नों की संख्या बढ़कर हो गई 12।
12 यानी कि 10 से लेकर 12 15 तक ये प्रश्न हर साल इतिहास से पूछे जाते हैं। भूगोल की बात कर लेते हैं, भूगोल में 13 प्रश्न पूछे गए हैं 2015 में, 2016 की बात करें तो 9 प्रश्न पूछे गए हैं और 2017 की बात करें तो 8 प्रश्न पूछे गए। तो एक प्रकार से ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये अगली बार भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन इससे हमें एक छोटा सा हल्का सा संकेत आपको देखने को मिलेगा, वो संकेत मैं आपको बताऊँगा आखिर क्या मिल रहा है। राज व्यवस्था की बात कर ले, 2015 में 9 प्रश्न पूछे गए, 2016 में 5 प्रश्न पूछे गए और 2017 में जो पूछे गए थे 4 प्रश्न पूछे गए, तो ये भी एक डिक्रीज हो रहा है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में 2015 में हमसे 8 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में 10 प्रश्न पूछे गए थे और 2017 के अंदर 14 प्रश्न पूछे गए। वहीं अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो 2015 के अंदर 8 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 के अंदर 5 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 की बात करें तो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ भी एक डिक्रीज आपको मिलेगा। तो ये शो कर रहा है कि जो कोर जीके के नाम से, यानी कि जो परंपरागत जीके है, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उनसे अब धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या MPPSC द्वारा कम की जा रही है। धीरे धीरे ये प्रश्नों की संख्या कम की जा रही है और बढ़ कहाँ रही है, ये बढ़ रही है करंट अफेयर में, देखेंगे आप यहाँ पर ये बार करंट अफेयर बढ़ रही है, धीरे धीरे विविध में बढ़ रहा है, खेलकूद से प्रश्न ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब इसको इस तरीके से हम तैयार करेंगे, हम समझेंगे आगे प्लान वाले सेक्शन में कि किस तरीके से अब हम इसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। कंप्यूटर से देखें तो 2015 के अंदर 9 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 के अंदर भी 9 प्रश्न पूछे गए और 2017 के अंदर 7 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं अधिनियम की बात कर लेते हैं तो अधिनियम 2015 के अंदर 5 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में 5 प्रश्न पूछे गए और 2017 में 3 प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर में 2015 में मात्र 2 प्रश्न पूछे गए थे और पिछली बार 2016 की बात करें तो प्रश्नों की संख्या बढ़कर 9 हो गई और 2017 की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 11 हो गई। और करंट अफेयर में यदि खेलकूद में, खेल ध्यान ध्यान दीजिएगा, खेलकूद को मैंने अलग से सेक्शन माना है, खेलकूद में भी करंट से प्रश्न पूछे गए थे, अगर खेलकूद के करंट के प्रश्नों को मिल जाए तो ये संख्या लगभग 15 से 18 के बीच में हो जाएगी, यानी कि एक बहुत बड़ा पोर्शन पिछली बार करंट अफेयर से पूछा गया और लगातार ये ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये एक ट्रमेंडस एक चेंज आया है, जो है UPSC जो जिस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करती है उसी प्रकार से इसमें चेंज हल्का सा आ रहा है। वहीं खेलकूद की हम बात कर लेते हैं तो 5 प्रश्न पूछे गए थे 2015 में, 2016 में 3 प्रश्न पूछे गए और 2017 में 9 प्रश्न पूछे गए थे खेलकूद से। तो ये एक प्रकार से अपने आप में एक अलग ही टॉपिक बनकर उभर आया है खेलकूद MPPSC के लिए, तो कम से कम। वहीं विविध की हम बात कर लेते हैं तो 2015 के अंदर 10 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 के अंदर 12 प्रश्न पूछे गए और बढ़कर हो गए हैं 2017 में 15 प्रश्न। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से चीज़ें चेंज हुई हैं, धीरे धीरे विविध में पोर्शन बढ़ रहा है, खेलकूद बढ़ रहा है, करंट अफेयर से प्रश्न बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से भी प्रश्न बढ़ रहे हैं, अधिनियम से प्रश्न बढ़ रहे हैं, कम कौन से हो रहे हैं, जो ट्रेडिशनल जीके है, इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, राजव्यवस्था की बात करें, विज्ञान की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इनसे लगभग लगभग चीज़ें कम पूछी जा रही हैं। ये ट्रेंड बन रहा है एक प्रकार का, तो इसको यदि फॉलो करके हम मास्टर स्ट्रेटजी हमारी तैयार करते हैं तो हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। और दूसरा भी पहलू है, इसका मैं प्लान वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरा और जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है अपनी कमजोरियों और ताकत को समझने की। अब होगा क्या, आपके पास यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा, लुक करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपकी स्ट्रेटजी में आपके पास किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में आप मास्टर हैं और कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके लिए आपको हमेशा मात देता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। होता क्या है, कई बार हम लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ होती है और उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं जिसकी विषय में हमें कम जानकारी होती है या बहुत अच्छी पकड़ हमारी नहीं होती, और उसका नुकसान देखने को मिलता है हमारी परीक्षा में के जो हमारा रिजल्ट आता है उसके रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके टूल्स क्या क्या हो सकते हैं अपनी कमजोरी और ताकतों को जानने के, तो पहला टूल जो इसका होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व करें, अनसॉल्व पेपर लें और उनको सॉल्व करने का प्रयास करें और उसमें देखें आप क्या स्कोर कर रहे हैं, और स्कोर को ना सिर्फ देखें बल्कि एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से पोर्शन में बहुत अच्छे हैं और कौन सा पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा कमजोर है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, आजकल बहुत सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, मार्केट में भी उपलब्ध हैं और हमारे द्वारा भी इन सारी चीज़ों को, जो स्ट्रेटजी हमारे द्वारा बताई गई है, इन्हीं के आधार पर टेस्ट सीरीज तैयार की गई है जिसके अंदर आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे
15 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे और सब्जेक्टिव ये 11 सब्जेक्ट हैं उनसे भी 11 टेस्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से 26 टेस्ट आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट से जाके आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें आपको रिजल्ट भी सब्जेक्ट वाइज ही देखने को मिलेगा, जिस तरह से पूरे 11 सब्जेक्ट हैं उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ताकि आप उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाएँ और पूरा एनालिसिस उसमें देखने को मिलेगा। वो खुद आपको एनालिसिस दिखाएगा, आपके रैंक दिखाएगा। तो आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये एक तरीका हो सकता है आपकी कमजोरियों और ताकत को जानने का। फिर आपको करना पड़ेगा अपनी कमजोरियों और ताकत पर वर्क। अब आप दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, सेकंड स्टेप है, वो है प्लान की। अब आपको एक ठोस प्लान तैयार करना है इसके लिए, एक ऐसा प्लान जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। अब ये प्लान कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले अब आप बात करें, जैसे मैंने आपको पहले वाले उसमें बताया था, देखने वाले सेक्शन में, कि सिलेबस को आपको देखना। अब इस सिलेबस के विश्लेषण की बात आ गई है कि सिलेबस का आप विश्लेषण करें। तो याद रखिए, आपके लिए वो विश्लेषण भी हमारे द्वारा करके दिया गया है। सिलेबस के विश्लेषण को अगर मैं देखूं, जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, यहां पर एक पॉइंट है पहला विषय का, दूसरा औसत प्रश्न। ये औसत प्रश्न है जो 3 साल में पूछे गए हैं, यानी कम से कम और अधिकतर और बीच का हमने ये निकाला है कि कम से कम इतने प्रश्न तो औसत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, या तो प्लस माइनस 1-2 बढ़ सकते हैं, या माइनस 2-3 प्रश्न कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अब यहां एक और जो काम हमारे द्वारा आपके लिए किया गया है, पेजेस टू रीड, यानी इतने प्रश्नों को कवर करने के लिए आपको कम से कम कितने पेजों को पढ़ना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही हमारी मास्टर स्ट्रेटजी होगी। भूगोल की हम बात कर लेते हैं, भूगोल के अंदर 10 प्रश्न औसत पूछे जा रहे हैं, कभी 12-15 तक पूछे जाते हैं, 7-8 भी पूछे गए हैं, जैसा कि पिछले वाले उसमें बताया था मैंने आपको। तो इसके लिए कम से कम आपको 250 पेजेस तो पढ़ना पड़ेंगे, तब जाके आप भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल आप अच्छे से MPPSC के लेवल का कवर कर पाएंगे। वहीं इतिहास की बात करें तो लगभग 12 प्रश्न कम भी पूछे गए, अधिक भी पूछे गए, तो 10-12 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। इसके लिए भी लगभग 200 या 250 पेज आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, तब जाके आप कवर कर पाएंगे। राजव्यवस्था की बात करें तो राजव्यवस्था से भी 5-7 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, और उसके लिए लगभग 180 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको कवर कर पाएंगे। विज्ञान की बात करें तो इससे लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 180 पेजेस को आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली, इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं, ये मैंने हमारे हिसाब से आपको बताया है, लेकिन लगभग चीजें यही हैं। वहीं बात करें MPGK से, तो MPGK से हालांकि पिछली बार कम पूछा गया, इसलिए औसत प्रश्न कम हो जाते हैं, लेकिन ये औसत प्रश्न बढ़ के 20 भी हो सकते हैं। तो ये 16 से लेकर 20 प्रश्नों के लिए आपको 160-170 पेज की एक अच्छी सी बुक आप पढ़ेंगे तो ये लगभग आपके कवर हो जाते हैं। वही अर्थव्यवस्था की हम बात कर लेते हैं, तो अर्थव्यवस्था में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्नों के लिए आपको कम से कम 150 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 साल का करंट अफेयर लगभग आप 150-160 पेजेस में या 200 पेजेस में मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से आपको लगभग 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और पेजेस आपको लिए 120 पेजेस आपको कंप्यूटर को अच्छे से करने के लिए पढ़ने पड़ेंगे। वहीं विविध की हम बात कर लेते हैं, विविध से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 पेजेस आप A4 साइज के पेजेस की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बुक आती है A4 साइज, उस पेजेस को 100 पेजेस में कवर हो जाएगा। खेलकूद की बात कर लेते हैं, 6 प्रश्न खेलकूद से पूछे जाते हैं, 60 पेज लगभग आप पढ़ के खेलकूद को अच्छे से कवर कर सकते हैं। वहीं अधिनियम की बात करें तो अधिनियम से लगभग 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप 30 पेज को पढ़ने के बाद अधिनियम को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि अब इस तरह से पूछा जा रहा, अब इससे हम प्लान कैसे बनाएं। देखिए, यदि आपको इससे प्लान बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे प्लान बनाने के लिए 2 भागों में आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने पूरे जो सिलेबस है उसको 2 भागों में आप बांटने का काम करें। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिलेबस को 2 भागों में आप बांटें। किस प्रकार से 2 भागों में बांटें? सबसे पहले देखें विषय, एक तरफ वो विषय लें जिनसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं लेकिन पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, दूसरी तरफ वो विषय लें जिनसे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं लेकिन पढ़ना कम पड़ता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे भूगोल को हमने देखा तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन पढ़ना आपको 200-250 पेज पढ़ना पड़ता है। इतिहास से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200-250 पेज पढ़ना पड़ता है। राजव्यवस्था से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 180 पेज पढ़ना पड़ता है। विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 180 पेज पढ़ना पड़ता है। अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 180 पेज पढ़ना पड़ता है। अगर योग करें, ये ट्रेडिशनल वाला जीके है, ये ट्रेडिशनल जीके है और ये न्यू चेंजेस आ रहे हैं वो है, यहाँ पर योग करें लगभग 53, ये ध्यान दीजिएगा 40 से 45 प्रश्न हो सकते हैं, 40 से 45 प्रश्नों को करने के लिए आपको लगभग 900 से 1000 पेजेस को पढ़ना पड़ेगा, तब आप अच्छे से इस चीज़ की तैयारी कर पाओगे। वहीं आप MPGK की भी हम बात कर लें, दूसरा भाग में आ जाते हैं MPGK, 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, 160 पेज पढ़ना पड़ेंगे आपको। करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो आपसे उसको लगभग 150 पेज पढ़ना पड़ेंगे आपको। कंप्यूटर पूछा जाता है लगभग 7 प्रश्न, तो उसके लिए 120 प्रश्न पढ़ना पड़ेंगे आपको।
वहीं अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पोर्शन। दूसरा पोर्शन वो पोर्शन है जहां से आपको अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप कम पेजेस को पढ़ के उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे लगभग एमपी जीके से 16 प्रश्न या 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 160 200 पेज के आसपास आप पढ़ के इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 पेजेस से पढ़ के आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर से लगभग 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 पेजेस पढ़ के पूरा कर सकते हैं। विविध से लगभग आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 पेजेस में पूरा कर सकते हैं। खेलकूद से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 पेजेस में पूरा कर सकते हैं। और अधिनियम से लगभग 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लगभग 30 पेजेस में पूरा कर सकते हैं। यानी 57 प्रश्नों को, यानी 55 से लेकर 60 प्रश्न आप इसमें मात्र 620 यानी 600 से लेकर 700 पेजेस में पढ़ सकते हैं। लगभग 300 पेजेस का सीधा सीधा 300 350 पेजेस का अंतर है और प्रश्न ज़्यादा है। अब हमारा मास्टर स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप पहले और अच्छे से इन इन प्रश्नों की, इन भागों की तैयारी करें। दूसरा ये भी, ये नहीं कह रहा है कि आपको दूसरे भागों की तैयारी नहीं करना है, दूसरे भागों की भी आपको तैयारी करना है, लेकिन पहले इनको अच्छे से कर लें ताकि आपको लगभग 55 से लेकर 60% अंक आपके पक्के हो जाएं। 55 से लेकर 60% अंक आपके पक्के हो जाएं। चलिए अब इसमें सफलता के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए होते हैं, तो पिछली बार की अगर हम देखें तो लगभग 68% के आसपास पिछली बार का कट ऑफ गया था जनरल के लिए। हालांकि पेपर पिछली बार टफ आया था क्योंकि करंट ज़्यादा पूछ लिया था, इस बार ये गया था, लेकिन उससे पहली बार की बात करें 2016 में बात करें तो ये 85% तक गया था। तो हम मान के चल रहे हैं 75% लगभग आपको इसके लिए स्कोर करना होगा, यानी कि आप लगभग लगभग अपना जो जितना भी आप पढ़ें इन पेजेस के अंदर आप अधिकतर कवर कर सकते हैं। उसके अलावा ये विषय ऐसे हैं, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं और ऐसा नहीं कि आप इनसे एक भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे, आप बहुत आसानी से इनके 50% प्रश्न को इजीली हल कर पाएंगे। तो आप क्या करें इनके लिए, इनको पढ़ने के लिए आप अभी जो है ज़्यादा ना पढ़ते हुए पहले इनको अच्छे से पहले कवर कर लें और फिर इन टॉपिक्स के ऊपर आए, इन टॉपिक्स के ऊपर बाद में आए और पहले इनको अच्छे से कवर कर लें। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। फिर ये भी देख लें आप किस टॉपिक में अच्छे हैं किस में बुरे हैं, तो उसके हिसाब से भी अपने पूरा जो है उसको तैयार करें। चलिए अब अपनी कमजोरियों और ताकत को सिलेबस के अनुसार एक ठोस योजना, अब अपने कागज पे योजना को उकेरें कि आप किस सब्जेक्ट में आप कितने कमजोर हैं, उस कमजोरी को आप कैसे फिलअप करेंगे और किस किस को कब कब पढ़ेंगे इन 50 दिनों के अंदर, उसके लिए एक ठोस योजना बनाने का काम कर लें। योजना बनाते समय ध्यान रखें योजना घंटों के हिसाब से नहीं बनाएं बल्कि सिलेबस को अच्छे से पूरा करने के हिसाब से बनाएं। मैंने देखा है कई बार आप योजना बनाते तो घंटे के हिसाब से बनेंगे, इस दिन इतने घंटे पढ़ेंगे, नहीं घंटे नहीं पढ़ना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, हमें ये देखना है कि कितना टॉपिक कब पूरा करेंगे, ना कि कितने घंटे पढ़ेंगे। क्योंकि घंटे में क्या हो सकता है कि आप मालूम पड़ा आपने घंटे तो लिए लेकिन टॉपिक आपका पूरा ही नहीं हुआ, सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ, फिर आप क्या करोगे। इसलिए घंटों के हिसाब से योजना ना बनाते हुए सिलेबस को अच्छे से कवर करने के हिसाब से योजना बनाएं। भले ही अब उसके लिए आपको 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़े तो हम पढ़ेंगे, समय निकालेंगे, एनी हाउ डू और डाई की स्थिति है तो हम ये करेंगे। ये इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। इसी योजना के अनुसार हमारे द्वारा एमपीपीएससी 2018 के लिए एक फुल कोर्स भी बनाया गया है, मॉक टेस्ट सीरीज भी तैयार की गई है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल्स आपको हमारे लिंक में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिएगा, हमारी वेबसाइट है वेबसाइट dkmppsc.com, वहां पर इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप है डू की स्टेज। डू यानी कि आप करना, अब आपको क्या करना है, अब आपने एक योजना अच्छी से बना ली है, उस रणनीति के हिसाब से बनाई गई योजना को पूरा करने में अब आप जी जान से जुड़ जाएं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि होता है कई बार हम कागजों पर तो चीज़ें अच्छे तरीके से बना लेते हैं लेकिन उस कागज पर बनाई गई चीज़ों को जीवन में इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही वो चीज़ है जिस पर अब आपको काम करना है। क्योंकि आप एक भावी अधिकारी के रूप में बनेंगे और एक अधिकारी के पास ये स्किल्स होते हैं कि वो अपने गए बनाए गए प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करें। तो आप कसम खा के इस चीज को तैयार कर लें कि मुझे एनी हाउ इन चीजों को जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसी टाइम लिमिट में या उन सब्जेक्ट को उसी टाइम लिमिट में कवर करूंगा एनी हाउ। खुद को सजा दें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ छोटी मोटी सजाएं खुद के लिए निर्धारित करें कि अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे लिए ये पनिशमेंट होगा। खुद को सजा दें और खुद काम करें उसके ऊपर, फिर देखिए आप इसमें निखार आएगा। क्योंकि याद रखिए फैसले आपके कभी गलत नहीं होते। हम कहते हैं यार मैंने गलत फैसला ले लिया, बिल्कुल नहीं, गलत फैसले कभी नहीं होते हैं, वो तो केवल आप होते हैं जो अपने फैसलों को सही या गलत सिद्ध करते हैं। यदि आप अपने फैसलों के ऊपर काम करेंगे तो आपका फैसला सही होगा, लेकिन अगर आप अपने फैसले के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपका फैसला गलत सिद्ध हो जाएगा। तो आप अपने फैसले लें और उन फैसलों को
लेने के बाद एग्जीक्यूट करें कि जैसे भी हो उन्हें आप करेंगे। फोर्थ स्टेप है गेट, ये वो स्टेप है जहां आपको सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। आपने अगर अपनी बनाई गई योजना को पूरा किया, उसमें जी जान से लग गए, तो आपको 100% सफलता मिल ही जाएगी, बस बशर्ते आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनर में जाके कर लें और चीज़ें हो जाएंगी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होगा। हमारी एग्ज़ाम गुरुजी की टीम की तरफ से आपको आपकी आगामी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और नीचे कमेंट्स करके मैं आपसे आशा करूंगा कि आप मुझे बताएंगे कि आपको हमारी स्ट्रेटजी कैसी लगी और किस तरीके से आप इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और कमेंट जरूर करें बिना बताए ना जाएं कि आपको आखिर हमारा प्रयास कैसा लगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।